अगिलान न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। दुकानदार की सूझबूझ से पकड़ा गया एक बदमाश। रामनगर में झोलाछाप, डॉक्टर की लापरवाही से एक किशोरी की हुई दर्दनाक मौत। अवैध रूप से उगाई गई अफीम की खेती, पुलिस ने की कार्यवाही। गुलदार का शव मिलने से वन विभाग में मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर जनपद में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला जनपद मुख्यालय का है, जहां पर एक बदमाश ने तमंचा दिखाकर आईफोन लूटने का प्रयास किया, लेकिन दुकानदार संचालक की सूझबूझ के कारण आरोपी को दबोच लिया गया। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद कर ली है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। घटना है, इसमें एक व्यक्ति द्वारा एक मोबाइल फोन विक्रेता से आईफोन 14 प्रो मोबाइल मांगा गया, और जब उन्होंने मोबाइल दिखाया तो उसको तमंचा दिखा के उसका मोबाइल लूट लिया। तो इसमें जो है अभियुक्त जो है वो उसको पब्लिक द्वारा भी पकड़ा गया पुलिस की सहायता से। इसमें अभी फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई जो भी तथ्य आते हैं प्रकाश में उसके हिसाब से की जाएगी। रामनगर में शनिवार के दोपहर एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक नाबालिग किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों में जहां एक और कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। नाम भी नहीं है। क्या घटना हुई है? मेरे भतीजे को पीलिया हो रखा था। हम उस बंगाली डॉक्टर के पास ले गए हैं, उसने मेरी भतीजी को इंजेक्शन लगाया, उसने उसको गलत इंजेक्शन दे दिया सर, उसका पैर, उसका पूरा पैर सूज गया, उसका पैर बिल्कुल नीला पड़ गया। उसके पास हम दोबारा ले गए तो वो बोल रहा है इसके अंदर से फुंसी हो रही है। कोई फुंसी नहीं हुई इसके अंदर, वो तो उसने गलत इंजेक्शन दे दिया सर। भतीजी को पीलिया हुआ था, उसका सारा पैर सूज गया, ऊपर से नीचे को पैर सूज गया, उसका नीला पड़ गया बिल्कुल। हम उसके बाद उसको काशीपुर ले गए तो डॉक्टर ने बोला आप ऐसे झूला छाप डॉक्टर के पास क्यों ले गए? मैंने कहा हमें क्या मालूम था, हम तो उस पर विश्वास कर रहे थे उसका। उस दिन से हम वहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था, उसकी दवाइयाँ चल रही थी। बोले इसको पीलिया की शिकायत है, उसने इंजेक्शन दिया था। हम वहाँ ले गए, उन्होंने ECG करा, बोला भी तो चले गए। रास्ते में मैंने उसको पानी पिलाया सर, उसने 2 बूंद पानी पी, उसके बाद उसके मुंह से पानी बाहर निकल गया। जी सर, मेरी भतीजी है सर, 16 साल की है वो, अभी क्या उम्र है सर उसकी? जी सर उसकी क्या उम्र है अभी? सर मैं बंगाली की क्लिनिक में भी गई, वीरू बाजार में, उसके बाद मैं बंगाली क्लिनिक में गई। मैं उसको सजा देना चाहती हूँ, उस बंगाली को। मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ सारी मीडिया को, सारी पब्लिक को बुलाया, मैंने वहाँ पे सब लोगों को मैंने इकट्ठा करा, मैंने सबको बोला आज के बाद कोई इस बंगाली क्लिनिक में मत आना, ये झूला छाप है, ये कोई डॉक्टर नहीं है, इसने कोई कोर्स नहीं करा है, उसने वो ऐसी दवाइयाँ देता है। वहाँ जितने भी लोग थे सब अपने बच्चों को उठा के ले गए, किसी पे वहाँ पे ग्लूकोज चढ़ रहा था, सब ऐसे उठा के ले गए अपने बच्चों को। और लेकिन वहाँ पे पुलिस आ गई, उन्होंने मुझे रोक लिया। मैंने बोला मैं इसको आज या तो मेरे सामने बंगाली को लाओ, मैं उस बंगाली का आज सिर फोड़ूंगी मैं। किच्छा कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किच्छा पुलिस ने एक आरोपी को घर में अफीम की खेती करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के घर से अवैध रूप से की गई अफीम की पैदावार को नष्ट कर कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPCS की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों पे लगातार 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने के उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता किच्छा पुलिस को मिली है, जिसमें CO किच्छा और इंस्पेक्टर किच्छा के नेतृत्व में अफीम की खेती की एक खेप हम लोगों ने बरामद की है, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इसमें लगभग 9.25 किलो पौधे हम लोगों ने, हरे पौधे बरामद किए हैं। इन पौधों से यदि अफीम बनाई जाती तो उसमें कम से कम 3 किलो अफीम इससे बन सकती थी, और ये अफीम के अलावा बाकी भी इस पौधे के प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी नशे के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और इस प्रकार से बड़ा खुलासा किया गया है और इसमें और भी क्षेत्र में जानकारी की जा रही है इनके संबंध में, और साथ में अपराधी के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग खंगाल रहे हैं, इनका एनालिसिस किया जा रहा है, प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी हम लोग जुटा रहे हैं कि ये कब से इस व्यवसाय में थे और कितना पैसा और कितनी संपत्ति अर्जित कर चुके हैं। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में हर बिंदु पे इसमें कार्रवाई की जाएगी। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ये अपील भी करना चाहते हैं कि नशे के संबंध में यदि कोई भी सूचना आप देना चाहते हैं तो उत्तराखंड पुलिस ऐप है हमारा मोबाइल पर जो अवेलेबल है, एंड्रॉयड और iOS दोनों पर, इसमें एक टैब है, उसके ऊपर आप अपनी सारी सूचनाएं नशे से संबंधित दे सकते हैं और आपका नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। जनपद उधम सिंह
नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज क्षेत्र अंतर्गत NH-74 के पास गुलदार का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हम नियमित गश्त पर थे रात में रूटीन चेकिंग वगैरह में, तो रात को जो है लगभग 3:30 के आसपास में हम भगवंतपुर रोड पर थे नेशनल हाईवे में, तो एक गुलदार का शव मृत पाया गया जिसको देखने से जो है कुछ मौत के कारण का स्पष्ट पता नहीं चल पाया। गुलदार के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं, अब डॉक्टरों की टीम द्वारा शव परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही इसके मौत के कारणों का पता चल पाएगा। अभी विधिक कार्रवाई हम की कर रहे हैं। इसमें नशे के सौदागरों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही है, वहीं गांजा स्मैक व शराब के बाद अब चरस की बारी है। इसके चलते SOG ANTF व अल्मोड़ा पुलिस की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि दो तस्करों को 2.507 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कीमत 2,50,700 रुपए है। इसके बाद SSP अल्मोड़ा द्वारा पुलिस टीम को भी पुरस्कृत किया गया है। संवाददाता हिमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में अशोका लीलैंड से बेरोजगार 300 युवाओं ने नंगे पैर बुधवार से हीरानगर गोलजू मंदिर तक पदयात्रा निकालते हुए गोलजू मंदिर में न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि उनके द्वारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा कोर्स किया गया, लेकिन मान्यता न मिलने के चलते वे सभी युवा अब भी बेरोजगार हैं। बेरोजगारों की मांग है कि सरकार उनकी डिग्री और डिप्लोमा को UGC से मान्यता दिलाए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। गए कि उत्तराखंड सरकार को सद्बुद्धि दे, अशोक लेलैंड को सद्बुद्धि दे और उत्तराखंड मुक्त विद्यालय को सद्बुद्धि दे, जिन्होंने हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया है। जो शासन प्रशासन उत्तराखंड सरकार सबको पता है कि हम लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ, न्याय इंसाफी हुई है, लेकिन इसको न जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन कोई भी इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये पूंजीपतियों के दबाव में आकर हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। तो इनको गोलजी देवता माफ़ नहीं करेंगे इनको जब तक हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। हम आज सच्चे दिल से और सच्चे मन्नत से यहाँ पर आए हैं कि जो लोगों ने हमको डिप्लोमा कराया है उसकी मान्यता दे और अशोक लेलैंड ने हमारा उत्पीड़न किया है, वो हमको स्थायी जॉब दे। और राज्य सरकार से भी कह रहे हैं इसमें आपको शीघ्र संज्ञान लेना चाहिए, हम आपको ये गोलू देवता की कसम खिला देते हैं कि आपको न्याय करना, वरना आपको आपके परिवार को जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन जितने भी है इनको कोई भी ये गोलू देवता को भी माफ मत करना जब तक हम लोगों का न्याय नहीं करेंगे, ये हमारा दर्द है। सरकार है इनको ये तो समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ का युवा पीड़ित है, मतलब 18 दिन से हम दिन रात धरना दे रहे हैं, पर इन राज्य सरकारों को और ये जो पूंजीपति सरकार यहाँ पे गवर्नमेंट है इनको बता देना चाहते हैं, जो बाहर से आप पूंजीपति यहाँ पे उद्योग चला रहे हो ना, इनको हम इनको एक संज्ञान देना चाह रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में गोलजू देवता भी होते हैं, जो ये बाहर से आके अन्याय कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड के युवाओं के साथ, हमारे साथ जो छल कपट हुआ है उसका हिसाब ये गोलजू देवता ही लेंगे, और इनको डरना चाहिए इन गोलजू देवता से। और आज हम तो यहाँ अपनी अर्जी लगाने आई गए हैं, हमें तो उम्मीद है कि गोलजू देवता हमारे साथ न्याय करेंगे। हम ये भी चाहते हैं कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य सरकार इन सबको भी गोल देवता सद्बुद्धि दे और ये हमारे साथ न्याय करें। एक साल से हमारे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जो फर्जी डिप्लोमा आवंटित हमारे भाइयों को किया गया है, इसके लिए लगातार संघर्षरत हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि UGC से एफिलेटेड एक यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से लोग PhD भी कर रहे हैं, तमाम प्रकार के डिग्री और डिप्लोमा लेते हैं और देश के हर एक विभागों में सरकारी लाभ पाते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी जो अपने संस्थान में लोगों को जो है एडमिशन देती है और उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग कराती है और 4 साल का एक डिप्लोमा करते हैं, और डिप्लोमा हर कोई परिवार ये करता है, इसलिए डिग्री डिप्लोमा करता है कि मेरा भविष्य आने वाले टाइम पे सिक्योर रहे, लेकिन जब ये डिप्लोमा करते हैं तो इनको वो उनका पूरा वो जो डिग्री डिप्लोमा है वो फर्जीवाड़ा घोषित होता है और ये कहीं के नहीं रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा इस शहर के अंदर हुआ है तो पुलिस प्रशासन ने इस पर केस क्लेम करना चाहिए था, जब फर्जीवाड़ा हुआ है तो यूनिवर्सिटी के ऊपर केस होना चाहिए, अशोक लीलैंड जो कंपनी है उसके ऊपर केस होना चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके का कोई विशेष ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते आज ये सभी प्रताड़ित जो युवा उत्तर प्रदेश के हैं वो आज न्याय के देवता गोलजू के दरबार में आए हैं कि इनके साथ न्याय हो, इसी परिप्रेक्ष्य में अभी समर्थन के लिए इनके साथ खड़ा हूं। हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों में सरकारी विभागों में लगे पुराने वाहन 1 अप्रैल से नहीं चल पाएंगे। आपको बता दें कि मोटरयान अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद अब सरकारी विभागों में 15 साल से पुराने राजकीय वाहनों का संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा जियो जारी कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से जितने भी सरकारी वाहन हैं स्टेट के अंदर जिस भी उपक्रम के हैं वो 1 अप्रैल 2023 के बाद उनको रिन्यू नहीं किया जाएगा और स्वतः ही वो जो है निरस्त माने जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन और संचालन जो है बंद माना जाएगा। सर बात करी जाए स्कूल बसों में जीपीएस को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और अभी भी कुछ स्कूल की बसों में जीपीएस नहीं लगाए जा रहे, क्या है? नहीं, इसमें स्कूल बसों में माननीय हाईकोर्ट द्वारा आदेश किया गया था कि सभी स्कूल बसों में जीपीएस लगेगा, तो हमारे यहाँ फिटनेस के टाइम पे भी ये देखा जाता है और परमिट रिन्यूअल के टाइम पे भी देखा जाता है कौन सी गाड़ी में जीपीएस है या नहीं है, तो समस्त वाहनों में जीपीएस लगने के उपरांत ही फिटनेस की जाती है उसमें। कहाँ है सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। आप लोगों को करीब। जसपुर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बीएसपी इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया जिसमें राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, मत्स्य विभाग, समाज कल्याण विभाग समेत कई विभाग मौजूद रहे। शिविर के माध्यम से क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान किया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। बीस से 22 विभाग यहाँ पे उपस्थित है, हर तरह के जैसे समाज कल्याण है, मत्स्य पालन है और जो हमारे चिकित्सा जो भी विभाग है, होम्योपैथिक है, सारे विभाग है यहाँ पे। इनका हमारा ये उद्देश्य होता है कि एक ही सभी विभागों को एक जगह ले आ दिया जाए ताकि सारे जो समस्याएं हैं, जो डे बाय डे की समस्याएं हैं, उनको हम निदान कर सके। और हमारा दूसरा जो एक मुख्य जो पर्पज होता है विधिक जागरूकता, ज्ञान देना, कैसे हम क्या क्या करते हैं, हमारा क्या है, हमारा क्या मतलब क्या क्यों हम आए हैं यहाँ पर। हमारा काम है लोगों को शिक्षित करना, लोगों को जागरूक करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। अगर उनका कोई अधिकार अतिक्रमण होता है तो उनको कैसे उनको रिलीफ मिलेगा, तो उनको न्यायालय में भी न्यायालय आने के लिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो न्यायालय नहीं आ सकता तो हमारे यहाँ जो पीएलवी पैरालीगल वॉलंटियर्स उनके माध्यम से हम न्यायालय में आते हैं और उनको निःशुल्क अधिवक्ता हम प्रोवाइड कराते हैं, एक रुपया भी फीस नहीं लगती है उनको। ये सारी सुविधाओं के साथ हमारा जिला विधिक प्राधिकरण काम करता है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे जहां पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद वह रुद्रपुर की ओर रवाना हो गए। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सरकारें बीजेपी की हैं, बीजेपी को निर्णय लेना चाहिए। अब बस सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं जी, सरकार ने जांच कमेटी बनाई है, इसमें सरकार ही बेहतर बता सकती है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, आपकी तरह सवाल कर सकते हैं। भारत जोड़ो ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, ये समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। हमने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और शुभकामनाएं हैं उनको इस यात्रा के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी देश से हटे तभी बेरोजगारी खत्म होगी, भाजपा हटेगी तो महंगाई कम होगी, भाजपा हटेगी तो न्याय मिलेगा। उत्तराखंड के लोगों को ये सोचना चाहिए, जोशी मठ जैसी जगह पूरी धस गई, आखिरकार ये सरकारें कर क्या रही थी, क्यों पहाड़ खोखले कर दिए? विकास या मुनाफे के लिए ये परवाह नहीं कर रहे पर्यावरण की। और आखिरकार जो EIA था, EIA उस रिपोर्ट में क्या रहा जिसके कारण इन्हें जो सिक्योरिटी सेफ्टी रखनी चाहिए वो नहीं रखी इन्होंने। द्वाराहाट पुलिस ने गुमशुदा बालक को 15 घंटों के अंदर सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। आपको बता दें कि दूनागिरी निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाने पर सूचना दी कि उसका भतीजा घर से कहीं चला गया है। इस पर सूचना पाते ही थाना द्वाराहाट में गुमशुदगी दर्ज की गई, जिसके बाद बच्चे की तलाश शुरू कर दी गई। संवाददाता हेमंत सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज हल्द्वानी पहुंचे जहां उन्होंने जोशीमठ मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुनाफे कमाने के नाम पर सरकार पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए पहाड़ के लोगों की जान जोखिम में डालने पर लगी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। वहीं आपसे भी मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। उत्तराखंड
एक समय पे यूपी का ही हिस्सा था, और जिस समय उत्तराखंड बना लोगों को भरोसा और उम्मीद ये थी कि विकास बहुत होगा और उत्तराखंड खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। इधर जो देखने को मिल रहा है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया देख रही है कि जोशीमठ में क्या हुआ है, जो हमारा विकास जिस गति से होना चाहिए था, विकास को विनाश की तरफ नहीं ले जाना था, और जो पैरामीटर्स होते हैं विकास के, उन पैरामीटर्स का पालन करना चाहिए था। उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं, एक्सपर्ट साइंटिस्ट या जो रिसर्च करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने समय समय पर सरकारों को सावधान किया। वो सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे बीजेपी की आज, इन सरकारों को समय समय पर वहाँ के लोगों ने सावधान किया, एक्सपर्ट्स ने सावधान किया, कई रिपोर्ट जो आई साइंटिस्ट्स की उनसे सावधान हुए, जो बहुत जागरूक लोग हैं, समझदार हैं, उन्होंने खुद कहा कि जोशीमठ में इस तरह का विकास नहीं होना चाहिए। जो विकास हो रहा है और जो खासकर एनटीपीसी की वजह से पहाड़ खोखले कर दिए हैं, ये उत्तराखंड के उस हिस्से के और उत्तराखंड के पूरे हिस्से के पहाड़ कच्चे माने जाते हैं, ये नए पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में जो विकास और जिस तरीके से प्रिकॉशन लेकर के, सेफ्टी को लेकर के, और जिस तरह का इन्वायरमेंटल कंसर्न दिखाना चाहिए था, यहाँ की सरकार ने नहीं दिखाया। मुनाफे के चक्कर में इन्होंने खासकर जोशीमठ और आसपास बर्बाद किया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग जनपद में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल शुरू करने जा रहा है। इसके लिए विभाग ने अल्पसंख्यक विभाग को पत्र लिखकर फाजलपुर महरौला स्थित बॉयज हॉस्टल को अस्थायी हॉस्टल संचालित करने का निवेदन किया है। इससे पूर्व जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हॉस्टल के लिए 28 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था। संवाददाता दुविश तिवारी की रिपोर्ट। द्वारा एक एस्टीमेट जो है 28 करोड़ का उत्तराखंड शासन को प्रेषित किया गया है, जो भारत सरकार के माध्यम से इसकी स्वीकृत होनी है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एमएसडीपी के माध्यम से जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा एक भवन बनाया गया है, उसको ले लिया जाए और लेकर के उसमें जो है जो 50 बेडेड है, जिसमें हमारे यहाँ कामकाजी महिलाएं ऐसी, उन महिलाओं को जो है एक सुरक्षा और एक एक सौहार्दपूर्ण माहौल उनको मिले, इसके लिए उस भवन को हम लोग अपने अधिग्रहित करने के लिए कार्रवाई जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कर रहे हैं। वो न्यूनतम दाम पर दिया जाए, क्योंकि आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर महिलाएं हैं जिनको 8 से 10 हज़ार रुपये ही महीने उनको वेतन मिल पाता है सिडकुल में। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागिला न्यूज के साथ। धन्यवाद।